है 20 नंबर। 20 नंबर में हमें इंटीग्रल निकालना है 5x का पावर 4 प्लस में 12x क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर, और यहाँ किससे डिवाइड में क्या है x स्क्वायर प्लस का x विद रेस्पेक्ट। चलिए ऊपर देखिए क्या कॉमन है, ऊपर आपका x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका 5x स्क्वायर प्लस का 12x और प्लस का 7, ये ना हो जाएगा जी। और नीचे आपका x कॉमन कर लो तो बच जाएगा आपका x प्लस का 1। चलिए विद रेस्पेक्ट, अब आगे देखिए इसको क्या करते हैं, ऊपर फैक्टर करेंगे इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए इसका फैक्टर करेंगे, इसमें से मल्टीप्लाई 35x स्क्वायर ना जी, तो यहाँ पे बीच में क्या है 12x है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस का यहाँ पर ले लेते हैं 5x और प्लस का 7x प्लस का 7। ठीक है, देखिए इसको ऐड करेंगे तो 12x और मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके प्रोडक्ट इक्वल, और नीचे है x इंटू में x प्लस का 1। चलिए अब आगे इसको कॉमन करते हैं और देखते हैं क्या आता है, देखते हैं इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, अंदर यहाँ से कॉमन होगा 5x बच जाएगा आपका x प्लस का 1, और फिर यहाँ पर 7 कॉमन होगा बच जाएगा आपका x प्लस का 1, और नीचे आपका डिनोमिनेटर में है x इंटू में x प्लस का। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, कॉमन कर लेंगे x प्लस 1 को तो यहाँ बच जाएगा 5x और प्लस का 7, और नीचे आपका क्या है x इंटू में x प्लस का। चलिए अब इसके बाद देखिए x प्लस 1 से x प्लस 1 एक x से एक x कट गया, तो बच जाएगा आप x इंटू में 5x प्लस का 7 का इंटीग्रल। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 5x स्क्वायर और प्लस का 7x, अलग अलग कर देते हैं तो 5 इंटू में इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर x के रेस्पेक्ट में प्लस 7 इंटू में x का इंटीग्रल के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब और y में 3, और इसे यहाँ पर x स्क्वायर और y 2 आ जाएगा और प्लस में c। ठीक है ना जी, यही इसका इंटीग्रल निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।